फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। नाउ वी आर गोइंग टू फिनिश द टॉपिक मॉडर्न इंडिया। हियर वी वर डिस्कसिंग व्हाट वर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज ऑफ मॉडर्न इंडिया। वी डिस्कस्ड मेनी सोर्सेज। फर्स्ट ऑफ देम वॉज ऑफिशियल सोर्स, सेकेंड सर्वेज। नाउ यू नो वेल व्हाट आर सर्वेज। सर्वे आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे सर्वे कराए। वे उन्होंने कोई चीज़ एक इमेजिन नहीं किया, उन लोगों ने एग्जैक्ट डेटा पर ही बिलीव किया सारी चीज़ों के लिए। वेदर इट इज़ रेल रूट, मेजरमेंट ऑफ रीजनल पॉपुलेशन और एनीथिंग एल्स, दे स्टार्टेड देयर एग्जैक्ट सर्वेज। नाउ रेवेन्यू सर्वे, बोटेनिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वे, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वेज दे डिड एंड देन फाइनलाइज द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देयर। दैट्स वाई दे रूल्ड हियर फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अदर सोर्सेज हियर विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बट बिफोर दैट डिस्कशन वी मस्ट नो फॉर प्रिजर्विंग दीज सोर्सेज विद दैम दे मेंटेन्ड ए रिकॉर्ड रूम विद हिम बिकॉज these official records are from the point of view of the British. They do not tell us about the activities and feeling of the general people of the country. ये सारी चीज़ें सब उन्होंने अपने यूज़ के लिए ही रखी। उनका यहाँ की सामान्य जनता के वेलफेयर या उनकी फीलिंग से कोई मतलब नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, एंड दैट्स वाई दे प्रिजर्व इन रिकॉर्ड रूम्स एंड आर्काइव्स। जितने भी ऑफिशियल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स थे, एग्रीमेंट था, ट्रीटी, ये सब जितनी भी वो सब डिटेल्स से वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर रिकॉर्ड रूम में मेंटेन किया। आर्काइव्स में उन्होंने किसी पर्टिकुलर गवर्नर जनरल और फिर उसके बाद एक हायरार्की या उनके पर्सनल जो डेटाबेस था उन सब चीज़ों के लिए उन्होंने आर्काइव्स को मेंटेन किया। नाउ अदर सोर्सेज, व्हाट वर द अदर सोर्सेज वी हैव टू डिस्कस हियर। इन अर्लियर टाइम्स वेरी फ्यू पीपल न्यू टू राइट, बट मॉडर्न इंडियन पीरियड मैनी मेन वर एंड वीमेन बिगैन टू राइट एंड एक्सप्रेस दियर एंगर। इन मॉडर्न टाइम्स यू नो मैनी इंडियन पीपल वर अवेयर ऑफ द सोसाइटीज पोलिटिकल कंडीशन एंड दैट्स वाई दे स्टार्टेड राइटिंग, वेदर इट इज़ ऑटोबायोग्राफी और पब्लिशिंग न्यूज़ पेपर्स, दे एक्सप्रेस दियर व्यूज विद with these papers. Many women also began to write during this period. बहुत सारी महिलाओं ने भी इसमें participate किया। आपको बताया भी था हमने कि रासुंदरी बाई, रासुंदरी बाई भी कहते हैं इनको, रासुंदरी दासी भी, was the first woman to write an autobiography in Bengali in 1876 named अमार जीवन। अमार जीवन के नाम से इन्होंने अपनी autobiography लिखा था। Now what are the other sources which we are going to discuss? Personal diaries, उस समय के जितने भी इंडियंस थे उन्होंने अपनी पर्सनल डायरीज में उस समय की कंडीशन के बारे में जो भी अपना डिटेल्स लिखा उसे हम लोग उससे उस समय के बारे में जान सकते हैं। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर्स, जो भी तीर्थयात्री या उस समय बाहर से यात्री लोग आए उन लोगों ने जो भी डिटेल दिया वो भी अदर सोर्सेज में इंक्लूड किया जाता है। ऑटोबायोग्राफीज, अपनी जीवन कथा के बारे में जिसने भी लिखा उससे भी हमें उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। पॉपुलर बुकलेट्स, न्यूज़पेपर, स्टोरीज, पोएम, बुक्स और न्यूज़पेपर्स कन्वर्टिंग आइडियाज़ एंड फीलिंग ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स। उस समय के जितने भी लीडर्स थे उन लोगों ने भी अपने बहुत सारे बुक्स और न्यूज़पेपर में अपने आर्टिकल्स दिए। जर्नल्स, रिव्यूज, एडिटोरियल्स, दीज वर द अदर सोर्सेज। द अबव मेंशनड लिटरेरी सोर्सेज सर्व एज मेजर सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री विद द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। जैसे जैसे इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुआ वैसे वैसे इन अदर सोर्सेज का रोल जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, दे वर पब्लिश्ड इन लार्ज क्वांटिटी। हियर दिस वे वी विल कंक्लूडिंग दिस चैप्टर एंड आई थिंक यू ऑल हैव क्लियर इन ऑल एस्पेक्ट व्हाट इज द मॉडर्न इंडिया, हाउ डू वी क्लासीफाई इट। And this way, the chapter has been completed. And if you have any queries, you can discuss with your questions in the particular groups. Okay, students,
एंड आई विल श्योरली गिव योर आंसर्स इन स्मॉल वीडियोज और पॉडकास्ट. थैंक यू.